नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंडी पे। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। इसके लिए हम तालाब से ताज़ा मछली ले लिए हैं, एकदम फ्रेश देख सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें एक चम्मच, नमक डालेंगे आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। इन सभी मसालों को मछली के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे दोनों तरफ से, देख सकते हैं इस तरह से मिला के रख लेना आपको। कढ़ाई में तेल डालेंगे, सरसों तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दे, मछली डालेंगे इस तरह से धीरे धीरे, नहीं तो तेल के छींटे लगेंगे हमको। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है मछली को आपको। मछली एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब दोनों साइड से पलट पलट के हम मछली को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। देख सकते हैं मछली हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में। सारी मछली को हमने फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसको आप मछली को फ्राई मछली भी खा सकते हैं, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से पेस्ट रेडी करना है आपको। हरी मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे, इसको एक मिनट के लिए फ्राई होने दें। पेस्ट डालेंगे रेडी किया हुआ हमारा, इसको अच्छे से चला के मिक्स कर लेना है और 3 मिनट के लिए फ्राई करना है चला चला के, ताकि प्याज और टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच, इसको भी चला के फ्राई कर लेना है 1 मिनट के लिए आपको। गोलकी जीरा धनिया पाउडर का पेस्ट डालना है आपको 2 चम्मच, इसको भी चला के फ्राई कर लेना 1 मिनट के लिए। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, इसको भी चला के मिला लेंगे अच्छे से। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसको भी चला के मिला लेना अच्छे से आपको सारे मसालों के साथ। तेज पत्ता डालेंगे, इसको भी मिक्स करके मिला लें। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसको भी चला के मिला लेंगे। देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। मीडियम पानी डालें, ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो ग्रेवी हमारा पतला बनेगा। एक बॉल आने के बाद इसमें हम फ्राई किया हुआ मछली डाल देंगे। देख सकते हैं मछली में हमारा बॉयल आ चुका है अच्छे से, ये हमारा मछली हमारा अच्छे से पक चुका है। इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा, इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे, इससे फ्लेवर और भी अच्छा आएगा मछली का। देख सकते हैं मछली करी हमारा रेडी है, आइए हम इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। थैंक यू।